एवरीवन हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और बहुत सारी बधाइयाँ मुझे मिल रही है और बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। और अभी आई थिंक दो दिन में, ऑलमोस्ट दो या तीन दिन में मेरा डिलीवरी है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मैंने अपने ये चीज़ें लिखी थी अबाउट प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब जो मैंने जितने भी एफर्मेशंस लिखे थे अपने बेबी के लिए, तो वो सारे एफर्मेशंस एक के बाद एक वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल और इतने ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे मुझे नहीं पता था। मेरा हर एक चीज़, हर एक वर्ड जो मैंने लिखा है, जो मुझे याद है, अब मुझे क्योंकि वो बुक नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं लिखी थी और फिर मैंने भूल गई थी वो सब चीज़ें, लेकिन मुझे जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मुझे याद थी, क्योंकि मैं तीन दिन लिख रही थी और मुझे जो चाहिए था, मैं बहुत स्पेसिफिक थी, क्लियर थी, मेरा विजन बड़ा क्लियर था उस टाइम, तो वो सारी चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी स्मूदली और एकदम सेफली जाए, हेल्दी बेबी हो और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, और मेरे बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले और बहुत सारा प्यार मिले, एंड ही शुड बी अ स्टार किड काइंड ऑफ, मैंने ऐसा कुछ लिखा था। तो मतलब स्टार किड, एक जब मैं अभी दो दिन पहले की बात है, मैं एक पेशेंट कर रही थी, तो मेरे पेशेंट ने मुझसे पूछा कि मैम आपकी डिलीवरी कब है, ये सब बातें हो रही थी, तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे आप अभी भी काम कर रहे हो, आप अभी भी पेशेंट करते हो, एंड शी वॉज वेरी अमेज्ड, और वो बहुत खुश हुई कि अच्छा है कि चलो आप इस वक्त तक भी काम कर रहे हो। तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथ गुजरी, तो मैं वही सोच रही थी, हाँ यार ये चीज़ भी हो रही है, मेरी प्रेगनेंसी भी अच्छी गुजरी, मेरा बेबी भी हेल्दी है, मैं भी हेल्दी हूँ, मैंने 9 महीने तक पूरा महीना मैंने काम किया है, और अभी सिर्फ 3 दिन की छुट्टी शिविर ने मुझे दी है फ्रॉम क्लिनिक, और मतलब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। फिर वो स्टार किड वाला जो एक कमेंट मैंने लिखा था, अब पहले तो कुछ ही लोग मुझे जानते थे, मतलब हार्डली 50-60 लोग मुझे जानते होंगे, और सब कुछ मिला के, पूरी दुनिया के लोग मिला के हार्डली मुझे 100 लोग जानते होंगे, लेकिन अब ऐसा है मुझे 9-10 हज़ार लोग जानते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आ रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे डीएम्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम ऐसे ही फालतू में डाउनलोड किया था देखने के लिए कि इतने दिनों में क्या हुआ है मुझे। जैसे ही मैंने डीएम खोला, मतलब भर के कि मुझे इतने सारी ब्लेसिंग्स, और रिजल्ट पे लोग ने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी है, मतलब YouTube पे लोग मुझे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, DM कर रहे हैं, लोग मेरे बेबी के जेंडर को इंट्यूट कर रहे हैं, और लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं उसका फोटो अपलोड करूं, मतलब ये सारी चीज़ें। और फिर अभी रिसेंटली मैंने ना एक विजन बोर्ड बनाया था, उसमें ना मैंने एक फोटो डाली थी, और उसमें हॉस्पिटल का ड्रेस मैंने पहना, मतलब मैंने अपना फोटो क्रॉप करके डाला था, तो मैंने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना है और मेरे बेबी ने भी हॉस्पिटल का ही पहना है, और जब मैं जिस हॉस्पिटल में मैं जा रही हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे मतलब अब फ्रेंड हो गए हैं, वो गायनेक, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि यहाँ हॉस्पिटल आपको सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं, मतलब इट इज़ लाइक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मुझे वहाँ मिलता है। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे जस्ट बाय राइटिंग समथिंग, और वो भी मैंने सिर्फ 3 दिन लिखा, सब चीज़ मेरी इतने आसानी से हो गई, इतनी स्मूदली हो गई, आई एम सो ब्लेस्ड। कि और शिवेन ने भी आज सुबह मुझसे यही कहा कि देखो तुम वीडियोस बनाती रहा करो, बिकॉज लोगों को ज़रूरत है तुम्हारे वर्ड्स की, तुम्हारे पावर्स की, तुम्हारे वाइब्रेशन की, उनका दिन बन जाता है जब वो लोग, क्योंकि वो भी पढ़ते हैं, मतलब कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि लोग कितना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, कितना प्यार मुझे दे रहे हैं। तो ही वॉज सेइंग मी, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी कॉमेंट यू आर रिसीविंग, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द लव यू आर रिसीविंग, फॉर द ब्लेसिंग्स हमारे बच्चे को जो मिल रही है। कहाँ लोगों के घर में 50-60 लोग ब्लेसिंग देने आते हैं, तुम्हारा ऐसा हो गया कि 10,000-20,000 लोग तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं, इट्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल। मतलब इतने लोग अगर मैं पूरी जिंदगी में भी इकट्ठा करना चाहूँ ना, तो ना कर पाऊँ, मतलब आई एम सो हैप्पी,
थैंक यू सो मच. ये एक ग्रैटिट्यूड वीडियो मुझे बनाना ही था, और क्योंकि अब 2 दिन बाद डिलीवरी है तो आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. और मैंने, पता है, वही चीज़ मैं आपको बोलने आ रही थी, मैंने बिल्कुल पेनलेस मांगा था डिलीवरी भी, तो वही चीज़ें मेरे साथ मैनिफेस्ट हो रही है. और मुझे, मतलब, क्या मैं बोलूँ आप लोगों को, आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन. और हर चीज़ अच्छी गुजरी. ये 9 महीने मेरे लाइफ के बड़े अच्छे गुजरे, और इस 9 महीने में मैंने आप लोगों के साथ कनेक्ट किया, आप लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया. थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का. और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ, जो भी लोग हैं, यू नो, कल एक वीडियो पॉपअप हुआ मेरे YouTube पे, तो एक शॉर्ट वीडियो जो आते हैं, अपने शॉर्ट्स आते हैं ना, बॉब प्रॉक्टर का एक आ रहा था शॉर्ट, उसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अपने दिमाग को ना उल्लू बनाओ, भले ही वो झूठ बोलो, है ना, भले ही आगे वाला आके आपको कितना भी बोले कि नहीं तुम्हारी रियलिटी ये है, तुम्हारी रियलिटी वो है, बस इग्नोर करो, अपने दिमाग को उल्लू बनाना सीखो. क्योंकि जब आप अपने दिमाग को उल्लू बनाते हो ना, तो एक वक्त के बाद क्या होता है, वो जो चीज़ें हैं, जो भी लाइज आप कह रहे हो, जो भी झूठ आप कह रहे हो, तो वो दिमाग क्या करता है, धीरे धीरे उस चीज़ को सच मानने लगता है, और वही चीज़ें आप एनर्जी के तौर पे, यू नो, अपने वाइब्रेशन में भेज रहे होते हो, यूनिवर्स में भेज रहे होते हो. ठीक है, हर एक वर्ड्स, हर एक थॉट्स, हर एक फीलिंग्स आपकी, यू नो, जो आप भेज रहे होते हो, तो वही चीज़ें मल्टीप्लाई होके आपके पास आती है. तो जब आप लिखते हो ना, जो मैंने बोला, जो मैं एफर्मेशंस लिख रही थी उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे बोलो, या मैंने कब, जब भी मैंने कोई चीज़ लिखी है, वो सारी चीज़ें मेरी फुलफिल्ड हुई है, फ्रूटफुली फुलफिल्ड हुई है. वो रीज़न ये है क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ट्रिक कर लिया था. ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे ट्रिक करने के लिए, मुझे 3-4 दिन हार्डली लगे हैं. तो मैं, लेकिन लिखती हूँ, लिखती थी और लिखती हूँ, और जब भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी कोई सवाल आता था ना कि अरे नहीं ये झूठ है, तब भी मैं उसको करेक्ट करती थी, नहीं ये सच है, जो मैं सोच रही हूँ वही सच है, जो दिख रहा है वो झूठ है, वो मेरा पास्ट है, वो ख़त्म हो चुका है, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरा प्रेजेंट है. तो आप जब इस तरीके से अपने दिमाग को उल्लू बनाओगे ना, तो एक सर्टन पीरियड बाद आप देखोगे कि आपका जो बिलीफ है उस झूठ पे, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि जो चीज़ आपके सामने भी दिख रही है, लोग आके भी आपको बोलेंगे ना कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ये गलत है, ये नहीं है, तब भी आप उनको नहीं मानोगे, आप अपने दिमाग को मानोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ पे बिलीव कर लिया होता है. और जब उसने बिलीव कर लिया होता है ना, तो वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो चीज़ आपके सामने आनी ही आनी है. जैसे हम लोग कहते हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा. लॉ ऑफ कर्मा क्या है? ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ कर्मा का मतलब ये होता है कि आप अगर नेगेटिव कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का सोच रहे हो, या किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि वही चीज़ पलट के आपके पास आएंगी, तो यही लॉ ऑफ कर्मा है. नहीं, लॉ ऑफ कर्मा पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी उतना ही पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिवली रिएक्ट करता है. लॉ ऑफ कर्मा का मतलब क्या होता है? आप अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने फीलिंग्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, जब भी आप किसी को, यू नो, कोई गलत चीज़ भेजते हो, राइट, तो वो 10 times, 12 times बोलो या 100 times बोलो, वो पलट के आपके पास ही आता है. और ये फिजिक्स का लॉ भी है, ये न्यूटन का लॉ भी है. 3rd law of Newton यही कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इसका मतलब है, जो आप दोगे वही आप पाओगे. अगर आप अच्छी चीज़ें दे रहे हो, किसी को ब्लेस कर रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, किसी कोई इंसान आपके साथ भले ही कैसा भी हो, लेकिन आप उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो, तो क्या होता है, वो अच्छाई पलट के आपके पास आती है. जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, वो बुराई उसके साथ, उसके पलट के उसी के पास जानी है. एक मुझे बहुत अच्छा कमेंट आया था इस पे, किसी लड़के का था, मतलब मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है अब उनका, तो उन्होंने कहा था कि एक मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब कॉमन फ्रेंड्स थे, दोनों कपल्स थे, और मैंने उनके साथ, मतलब उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कह दिया था जिसके वजह से, पता है, मतलब उन लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया था, फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम आ गई थी. तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया और मैं पीछे हट गया, मैंने सोचा कि ठीक है छोड़ो, जाने दो.
लेकिन जो उन्होंने बुरा किया था मेरे साथ, वो 4 साल बाद उनका या 2 साल बाद कुछ कुछ सालों बाद उनका एक्चुअली मैसेज आया, उन जो लड़का था, लड़की का नहीं लड़के का, कपल के मिस में से जो लड़का था उसका मैसेज आया उनको कि यार जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, जो मैंने बोल दिया था तुम्हें, वही चीज़ें उसी दिन से मेरे साथ खराब होने लग गई थी, और जो मैंने कहा कि तुम्हारा बुरा हो, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन तुम्हारा बुरा होने के बजाय वो मेरा बुरा हो गया। एंड ही वॉज इन गिल्ट, जो जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने कहा कि दी मैंने ऐसा कुछ चाहा भी नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा हो, और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा कहीं ना कहीं उसके साथ अटैचमेंट है या था, वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन मैं इस गिल्ट से कैसे बाहर निकलूँ। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोगों को लगता है कि हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं ये, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ को समझो, लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, भले दूसरे के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, ये सबसे पहले आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी एनर्जी जो आपके अराउंड में जो है, ऑरा, जो वाइब्रेशन बोलते हैं हम लोग, क्वांटम फील्ड जो बोलते हैं, वो उसको अफेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो चीज़ अफेक्ट होती है वो है आप। फिर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिवली कर रहे हो या नेगेटिवली कर रहे हो। आप अगर किसी चीज़ को, अब जैसे मेरा एक एग्जांपल, मेरे जो एक्सपीरियंसेस में आए हैं, मैंने हमेशा देखा है कि जब आपके पास कोई चीज़, आपने किसी के साथ अच्छा किया हो, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कुछ अच्छा किया, राइट, लेकिन आप ने उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लिया, लेकिन मेरे इंटेंशंस, मेरे वर्ड्स, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव थे, लेकिन आपने वो चीज को पॉजिटिवली नहीं लिया, आपने उसको नेगेटिवली जज किया, या आपने उस चीज को नेगेटिवली लिया और आपने मुझे नेगेटिव दिया, गेटिंग मी, आपने मेरी लाइफ को रियून करने की कोशिश की, या आपने मुझे बुरा भला कहने की कोशिश की, या मेरी इमेज में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जो भी किया, तो वो चीज़ मैंने देखा है कि उन लोगों के साथ वो चीज़ होती है। और मैंने अगर कोई चीज़ गलत की है तो वो मेरे साथ होना ही होना है, दैट्स द लॉ। और जैसे आप जब किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, नोइंगली अनोइंगली अगर आप किसी को अच्छा कह रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, प्रेस कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वही चीज़ पलट के मेरे पास आती है। भले ही उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया हो, लेकिन कोई ना कोई एक एंजल बन के मेरे लाइफ में आ जाएगा जो मेरे साथ वही चीज़ अच्छी करेगा। सो इट्स नॉट अबाउट द पर्सन कि आप किसके साथ अच्छा कर रहे हो, किसके साथ बुरा कर रहे हो, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आपने जो किया वो आपको मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा जो है, जो लोग कहते हैं ना, आप गिल्ट में मत जाओ इस चीज़ को लेकर कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मैं नहीं चाह रहा था कि उसके साथ बुरा हो। लेकिन क्या होता है ना, जो इंसान जो देता है वही चीज़ पाता है, दैट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने किसी को गिफ्ट किया है, हम लोग होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथ को ना हमेशा ऐसे रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, जैसे शिवेन, शिवेन इज ऑलवेज लाइक अ गिवर, ही ऑलवेज गिव्स, उसका आदत है, ही इज ऑलवेज लाइक अ, मैं तो कहती हूँ ही इज अ सतयुगी डिवाइन सोल, तो उसका आदत हमेशा ऐसे ही रहा है। इवन मैंने भी उनसे ही ये चीज सीखी कि हमेशा आप ऐसे ही रहो, फिर आप फीलिंग्स के थ्रू दो, थॉट्स के थ्रू दो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू दो, जब भी आपके हाथ ऐसे रहते हैं ना तो आप दे रहे होते हो, तो यूनिवर्स क्या करता है, जब वो आप दे रहे होते हो तो वो आपकी भी झोली भर रहा होता है। आप एक दोगे वो 100 देता है आपको। जब भी आप अच्छा दोगे तो अच्छा 100 मिलेगा, लेकिन अगर आप बुरा दोगे तो बुरा 100 मिलेगा। तो दैट्स लॉ ऑफ कर्मा। एंड जो मैंने कहा जिन लोगों के लिए कि आप अपने लाइज को पकड़ के चलो, वो भले लोग कुछ भी कहे, ठीक है, ये ज्ञान की बातें मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके मेल्स आते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, और उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन क्या है। अपने आप से अपनी कहानी को झूठ बोलते चलो, अपने दिमाग में अच्छा अच्छा बोलते चलो, फिर वो लोगों के लिए हो, अपने लिए हो। तो ये क्या होगा, जब आप ये करोगे, ये झूठ बोलोगे या आप एक कहानी रटोगे अपने दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली वो लॉ ऑफ कर्मा क्या करेगा, जो आप दे रहे हो वही चीज़ें आपको वापस ला के देगा। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।